आइए आप सभी का स्वागत है सोनू होम नीटिंग चैनल में तो मैं सबके लिए एक सॉक्स लेके आई चार और पाँच नंबर पैर के लिए ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी तो चार पाँच नंबर के लिए मैं आपको बताने जा रही हूँ ये सॉक्स तो यहाँ पे जो मैं ऊल यूज़ कर रही हूँ मैं आपको बता दूँ ये ओसवाल की फोर प्लाई ऊन है ये थोड़ी सी पतली ऊन है मैं आपको बता दूँ जैसे नॉर्मल हम सब ऊल बुनते हैं उसे थोड़ी सी ज़्यादा ही पतली है ये फोर प्लाई है लेकिन पतली है और यहाँ पर आप दस नंबर की सिलाई लेंगे यह पतली ऊन होने की वजह से मैंने यहाँ पर फोर्टी नाइन फंदे डाले हुए हैं फोर्टी नाइन पंदे डालने के बाद मैंने यहाँ पे डिज़ाइन बना के कम्प्लीट किया हुआ है अब जब थोड़ी सी मोटी उल से बनाएंगे तो आप वहाँ पे फोर्टी सिक्स या फोर्टी सेवन फंदे डालें आप यानी ये फंदे आप इस तरह से डालें ताकि डिज़ाइन भी एडजस्ट हो जाए तो चार के गुने में फंदे डालेंगे चार 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 इस तरह से एक फंदा एक्स्ट्रा ले लेना है आपको ताकि डिजाइन हमारा सेट हो जाए इस तरह से करते हुए देखिए मैंने डिज़ाइन बनाया डिज़ाइन मैं दिखाऊंगी नहीं क्योंकि मैंने डिज़ाइन की वीडियो अपलोड कर रखी हुई है तो मैं उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आपको लिंक उसकी तो देखिए मैंने यहाँ से यहाँ तक कितनी लाइनें कंप्लीट की वो मैं दिखा देती हूँ आपको तो देखिए यहाँ से ब्लैक वाली लाइनें मैं काउंट करूँगी एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सोलह लाइनें हमने बनाई हुई है उन पे फर्क पड़ता है आप ये आपकी मोटी है तो थोड़ा ज़्यादा भी हो सकती है तो देखिए इसकी लेंथ आपको किस तरह से मापनी है जैसे हमारा ये पैर है ये पैर हो गया पैर से हम अंगूठे तक ले जाएंगे इस तरह से आपको खींचना है ये पैर मेरे छः नंबर पैर की साइज है इस तरह से हम इसे रखेंगे देखिए ऐसे रखना है आपको एड़ी से लेके आपको इस तरह से खींचना है जब आपके उंगली तक आ जाए यानी जैसे ये भाग हमारा उंगली का कटा हुआ है यहाँ तक आना चाहिए आपको लेकिन ये छः नंबर की है तो यहाँ तक नहीं आ रही हल्की से नीचे तक है तो ये हमारी चार से पाँच नंबर पैर की बनेगी ये तब यहाँ से देखिए किस तरह से इसे बुनना शुरू करेंगे हम अब यहाँ से हम ब्लैक कलर हटा देंगे और पिंक कलर से इसकी बुनाई करेंगे तो पहले पीछे साइड से हम सारे फंदों को उल्टा उल्टा बनाते हुए हम कंप्लीट कर लेते हैं पहला फंदा उतार लेते हैं और यहाँ से सारे फंदों को हम उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे बहुत ही ईजी है ये डिजाइन भी ईजी है और सॉक्स भी बहुत ईजी है बनाना मैं हर बार इसी तरह से बताती हूँ लेकिन किसी को समझ में नहीं आती कि कितनी दूर तक इसकी लंबाई रखे तो मैंने बता दिया जहाँ से हमारे अंगूठे शुरू अंगूठे से पीछे का भाग जो कटा हुआ है यानी आगे वहाँ तक आपको इसकी बुनाई करनी है खींच के आप जब बुन लें इसे तो खींच के नाप ले आ, उसके बाद फिर अंगूठा और उंगलियां निकाले तो बहुत अच्छी बन के आएगी फिर आपको जब भी इस तरह से डिजाइन से आप बना रही हैं तो बस उसी तरह से नाप ले तो बहुत ही परफेक्ट बन के आती है इसलिए मैं बता देती हूँ नाप किस तरह से बना लें अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें तो चलिए इसी तरह से करते हुए पूरी लाइन हम उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेते हैं पहले तो पहली लाइन हमने इधर से उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर ली है अब इधर से हम उंगलिया रंग उठा निकालेंगे तो देखिए पहले मैं आपको बता दूँ जब आपकी बुनाई कम्प्लीट हो जाए तो पहली बार हम अंगूठा इधर निकालेंगे और उंगलियाँ इधर दूसरी बार जब हम बुनाई करेंगे तब पहले हम उंगलियाँ निकालेंगे बाद में अंगूठा इधर निकालेंगे उसके उल्टे साइड में निकालना पहले अंगूठा उसके बाद हम पंजे निकालेंगे ठीक है उसके बाद दूसरी बार में हम यहाँ पे पंजे निकालेंगे और यहाँ पे अंगूठा निकालेंगे ये ध्यान रखिएगा सिर्फ इसके अलग अलग साइड में कर देना हमको और देखिए यहाँ से हम सीधा सीधा बुनेंगे पहला फंदा उतार लेते हैं एक हो गया ये दो तीन चार पच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह ये सत्रह सत्रह फंदे हमने यहाँ पे लिए हैं देखिये सत्रह फंदे हमने यहाँ पे ले लिए सॉरी सोलह ही फंदे लेंगे सोलह फंदा लेने के बाद हम इधर पलट जाएंगे अब इन सोलह फंदों को हम इधर से उल्टे साइड से उल्टा बुनेंगे हम पहला फंदा उतारते हुए बुनेंगे पहला फंदा उतार लिया यहाँ से बाकी बचे फंदे जो हैं उसे हम इस तरह से उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे तो ये हमारी दूसरी लाइन हो गई पहली सिलाई हमने सीधी बनाई दूसरी उल्टी बनाएंगे फिर तीसरी सीधी बनाएंगे इसी तरह से करते हुए पंद्रह लाइनें इसकी कंप्लीट कर लेते हैं फिर सोलहवीं लाइन में हम इस फंदों को घटाएंगे तो चलिए इसी तरह से करते हुए उल्टी सीधी बुनते हुए पंद्रह लाइन कंप्लीट करते हैं अब सीधी साइड आ गए अब सीधी साइड से सीधे बनाएंगे जिस तरह से करते हुए हम टोटल तो पंद्रह लाइनें कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए लंबाई हमने कंप्लीट कर ली है अब यहाँ से चार फंदे में यहाँ से बंद करेंगे इस तरह से लेंगे एक दो तीन और ये चार चार फंदे में इस तरह से लेंगे और इधर से हम चार फंदों का एक फंदा कर देंगे इस तरह से अब यहाँ से जितने भी फंदे हैं सभी को बुनेंगे लास्ट चार फंदे छोड़ते हुए देखिए चार फंदे ने छोड़ दिए अब चार फंदों को इस तरह से लेंगे आगे की ओर से और चार फंदों का एक फंदा कर देंगे यहाँ पे ये यह हमने बंद कर दिया इधर पलट जाएंगे अब यहाँ से धागे को काट लेंगे हम थोड़ा सा लंबा काटेंगे चलिए तो सुई में पिरो लेते हैं पहले इस धागे को अब देखिए इन सारे फंदों को हम सुई पे उतारेंगे इस तरह से इस तरह से हमने इसे उतार लिए ये जो गोलाई वाला फंदा है इसे इस तरह से रखेंगे और इसके अंदर से देखिए ये जो फंदा है इसके अंदर से हम को पार कर देंगे तो यहाँ पे ये बंद हो जाएगी इस तरह से इसे खींच लेना है अब यहाँ से यहाँ तक देखिए अंगूठे की गोलाई बहुत अच्छी आई है इस तरह से और फिर यहाँ से यहाँ तक इस पिंक कलर से सिलाई करेंगे और इधर से फिर अलग कलर से तो यहाँ पे हम इस धागे को और सुई को यहीं पे छोड़ देते हैं अब देखिए देखिए इधर से मैंने अंगूठा निकाला अब इधर हम पंजे निकालेंगे अब जब दूसरा मोजा बनाएंगे तो इस तरह से तैयार कर लें तो पहले क्या करना है पंजे निकाल लें आप ठीक है उसके बाद फिर इधर हम अंगूठा निकालेंगे अब यहाँ पे हम धागे को बांध लेते हैं तो पहले तो हम यहाँ पे एक सीधी और एक उल्टी लाइन कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद फिर आगे बुनेंगे में तो यहाँ से धागा लगाते हुए पहली सिलाई हम सारे फंदों को सीधा सीधा बना लेते हैं दूसरी लाइन सारे फंदों को हम उल्टा उल्टा बना लेंगे चलिए तो इस तरह से पूरी सिलाई सीधी और उल्टे सर से उल्टी बना लेते फिर दिखाते हैं तो देखिए एक सीधी और एक उल्टी लाइन हमने कंप्लीट कर ली है और टोटल यहाँ पे हमारे थर्टी थ्री फंदे हैं यानी तैंतीस फंदे हैं तैंतीस फंदे हैं तो देखिए पंद्रह फंदे हम इधर बुनेंगे और पंद्रह इधर अभी के तीन फंदों में फंदों को घटाएँगे तो देखिए किस तरह से पहला फंदा उतार लेते हैं ये दूसरा बुना हमने तीन हो गया चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह और ये पंद्रह यानी फिफ्टीन फंदे आपको बुन लेने हैं अब देखिए फिफ्टीन हम इधर भी छोड़ देंगे दो चार छ आठ दस बारह चौदह और एक पंद्रह और बीच के तीन फंदों में हम फंदे घटाएंगे। तो देखिए सबसे पहले बीच वाला जो फंदा है इसे इस तरह से हम लेंगे आगे वाले हाथ सीधे हाथ के हाथ पे लेंगे हम इस तरह से उतारेंगे और जो आगे का फंदा था उसे बीच में ले आएंगे देखिए और बीच का फंदा आगे ले जाएंगे अब इन तीन फंदों को पीछे से तीन फंदों का एक फंदा कर देंगे हम अब तीन फंदों का एक फंदा कर देना आपको देखिए अब देखिए तीन फंदों का एक फंदा जो किया हमने अब इसी के अगल बगल फंदे को लेते हुए हम फंदे घटाएंगे देखिए अब अगली बार जब हम फंदे घटाएंगे तो चौदह फंदे बुनेंगे अब ये फंदा जिसमें हमने घटाया ये और एक इधर से लेंगे अब इन तीन फंदों में हमारे फंदे घटेंगे अब देखिए इधर से बाकी बचे जो पंद्रह फंदे हैं इसे हम इस तरह से सीधा सीधा बना लेते हैं और उल्टे साइड से भी हम उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेते हैं फिर दिखाते हैं सीधे साइड तो देखिए हमने उल्टी सिलाई भी हमने कंप्लीट कर ली थी हमारी चौथी सिलाई हो गई दो हमने पहले एक बार सीधी बनाई थी फिर एक उल्टी दो हो गई फिर हमने तीसरे फंदे पे इसे घटाया और चौथे फंदे हमने उल्टे बनाए अब ये पाँचवीं सिलाई देखिए पहला फंदा उतारेंगे यहाँ से चौदह फंदे बुनेंगे अब हम तब तक आपको घटाते रहना जब तक हमारी पंद्रह लाइनें कंप्लीट ना हो जाए तीन हो गए चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह और ये चौदह यानी फोर्टीन आपको यहाँ पे फोर्टीन स्टिच इसमें बुन लेने हैं अब देखिए यहाँ पे ये यह हमारा फंदा है जिसमें हम घटा रहे थे तो उसके अगल बगल का फंदा हम इस तरह से लेंगे एक ये और ये बीच का फंदा जिसमें हम घटा रहे हैं और किधर से लेंगे हम तो ये जो फंदा जो घटा रहे थे इसे पहले हम इस तरह से उतारेंगे इसे उतारना है और देखिए पहला वाला फंदा हमें बीच में लेके जाना है इस तरह से पीछे साइड से बीच में ले जाएंगे और ये फंदा आगे इस तरह से चढ़ा लेंगे अब इन तीन फंदों को हम तीन फंदों का एक फंदा कर देंगे पीछे साइड से बाकी बचे चौदह फंदे हम उल्टे सीधे बना लेंगे देखिए दो चार छ आठ दस बारह और ये चौदह इन फंदों को हम सीधा बना लेते हैं और उल्टे साइड से उल्टा बना लेते हैं इसी तरह से बीच में आते हुए आपको यहाँ पे घटाना है अगली बार तेरह फंदे बुनेंगे फिर घटाएंगे फिर उसके अगली बार जब आएंगे तो बारह फंदे में घटाएंगे फिर उसके अगली बार में ग्यारह फंदे यानी आपको ये सिलाई भी काउंट करते हुए जाना है कि हमारे पंद्रह अगर सिलाई जितना हमने अंगूठे के लिए रखा है पंद्रह सिलाई में मैंने इसे घटाया है उतना आपको इधर भी करना है तो यहाँ से काउंट कर ले देखिए कितनी लाइनें हो गई एक दो तीन चार ये पाँचवीं लाइन चल रही है दस लाइनें और हमें बनानी है इस तरह से करते हुए हम घटा लेते हैं फिर आगे आपको दिखाते हैं तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने कंप्लीट कर ली है लाइनें तो देख सकते हैं यहाँ से एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह और ये पंद्रहवीं लाइन में हम इस फंदे को घटाएंगे तो पंद्रहवीं लाइन में हमारे कितने फंदे बचते हैं ये फली वाली छोड़ के देखिए ये जो बीच वाली हमारे फंदे दिख रहे हैं इसे छोड़ देंगे इसके इधर कितने फंदे हैं देखिए दो चार छः आठ नौ और ये दस दस फंदे बच गए हमारे और दस फंदे इधर भी दो चार छ आठ और ये दस बीस और एक बीच वाला फंदा एक इस फंदे हमारे बच गए हैं अब यहाँ से हम सारे फंदों को बंद कर देंगे दो का एक कम करते हुए बंद करें इस फंदे को या फिर इस तरह से पहले बुन लेंगे हम एक फंदा बुना ये दूसरा फंदा बुना अब ये वाला फंदा इसके ऊपर से इस तरह से गिरा देंगे फिर एक फंदा बुनेंगे और ये फंदा इसके ऊपर से गिरा देना है ये फंदा बुना और पीछे वाला फंदा इसके ऊपर से इस तरह से गिरा देंगे जब गिराएंगे तो ये धागा पकड़े हुए रखेंगे फिर से इस तरह से एक फंदा बुनेंगे और देखिए धागा इस तरह से पकड़े हुए रहना आपको नहीं तो ये खुल जाएगी फिर ये वाला जो फंदा है इसके ऊपर से इस तरह से गिरा देंगे तो चलिए इसी तरह से सारे फंदे को बंद कर लेते हैं इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर पंजे को भी बंद कर लिया अब अंगूठे सिलते हैं देखिए इस तरह से सीधा कर लेंगे इसे जब आप खींचेंगे तो देखिए इतनी ये खींच के आती है इसीलिए आप जब भी आप ये वाली जब ये पट्टी जब आप बना ले यहाँ तक तो आप नाप लें जो भाग मैंने बताया एड़ी से आपको नापना है यहाँ से पैर रखते हुए आपको यहाँ तक नापना है जब यह खींच के आपके यहाँ तक आ जाए उसके बाद आगे का अंगूठा और उंगलियाँ निकालेंगे आप यह ध्यान रखिएगा सबकी बुनाई अलग अलग होती है और ऊल भी अलग होती है इसलिए मैं बता रही हूँ आपको तो इस तरह से पलट लेते हैं हम पलटने के बाद देखिए यहाँ से सिलते हुए यहाँ तक आएंगे जैसे हर बार हम नॉर्मल सिलाई करते हैं बस उसी तरह से आपको करना है हर एक चेन में डालते हुए हम इस तरह से इसकी सिलाई कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक सिल लेते हैं तो देखिए हमने अंगूठा सिल लिया अब इसे हम इस तरह से अंदर की ओर करेंगे सीधा भाग अंदर की ओर और, और उल्टा भाग इस तरह से रखेंगे हम ऐसे रखना है आपको अब देखिए यहाँ से सिलाई करते आएंगे ये जो भाग है इसको इस तरह से रखना है देखिए जहाँ से हमने फंदे घटाए इसको इस तरह से पकड़ना है बराबर करते हुए अब यहाँ से सिलाई करते हुए हम यहाँ तक आएंगे फिर इधर से सिलाई करते हुए यहाँ तक आना है और इन दोनों छोर को पकड़ते हुए हम यहाँ तक आएंगे पीछे हम इधर से हम पैर डालेंगे इसीलिए ये यह भाग यहाँ से यहाँ तक हम सिल लेते हैं आप चाहें तो मैंने यहाँ पर बॉर्डर नहीं बनाया बॉर्डर भी बना सकती हैं तो चलिए फिर सिलाई कर लेते हैं नॉर्मल से सिलाई है फिर से दिखा देती यहाँ से सिलते हुए इधर आएंगे दोनों बराबर पकड़ते हुए फिर इधर से बराबर करते हुए यहाँ पकड़ेंगे फिर इन दोनों को आपस में यहाँ से जोड़ते हुए यहाँ से करते हुए यहाँ तक आते हैं इस तरह से आपकी ये जूती आएगी देखिए बनने के बाद तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें तो चलिए मिलते हैं फिर कुछ नए वीडियो के साथ थैंक यू